Hello everyone, good morning all of you. Now we study about emphasizing adjective जिसे हम हिंदी में जो है बलदायक या जोड़वाचक विशेषण कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताते हैं उस पर जो है थोड़ा सा अधिकार या थोड़ा दबाव या बल देकर बताते हैं। Let us see its definition. An adjective used to emphasize noun is known as emphasizing adjective. किसी noun पे जो है emphasize मतलब जोड़ देकर बताया जाए कि ये चीज़ जो है यह noun या pronoun जो है यह है उसके बारे में जो है हम बलदायक विशेषण या emphasizing adjective का उपयोग करते हैं। Let's see and next another definition. Emphasizing adjectives are words that are used to add extra emphasis or highlight the importance of particular noun or pronoun. यह जो किसी भी noun या pronoun को जो विशेष रूप से highlight या उसके importance को जो है बढ़ा देते हैं कि उसका जो उस वाक्य में क्या importance है, noun या pronoun क्या importance है, emphasizing एडजेक्टिव जो है उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, उन्हें हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ ये जो है जो सेंटेंस है इसमें जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है और यह जो है इस मीनिंग को बढ़ा दे रहा है। दे आर यूज टू मॉडिफाई एंड इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ये जो है किसी भी वाक्य के इंटेंशन को यानी मीनिंग को जो है इंटेंस कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, उस पर जोर डाल देते हैं, दबाव डाल देते हैं, इसलिए इसे जो है इंटेंसिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ इमोशन। ये किसी एक इमोशन के रेंज को नापते हैं, फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म टू एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ये किसी भी फ्रस्ट्रेशन एंगर के उत्तेजनाओं को और उत्साह के रेंज को जो है बताते हैं कि क्या रेंज है क्या नहीं है। ओन वेरी एक्सट्रीमली अटरली एब्सोल्युटली सीरियसली ऑबवियस एविडेंट डिस्टिंक्ट प्लेन श्योर क्लियर सिंसियर ट्रस्टवर्दी रिलायबल एटेक्स्ट्रा आर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इतने जो है हमारे क्या है एम्फेसाइजिंग जो है एडजेक्टिव है, इनको जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। हमारे ए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जांपल्स, आई सा हिम विथ माय ओन आईज। हमारा यहाँ जो ओन है मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा, मैंने उन्हें अपने स्वयं की आंखों से देखा। तो यहाँ पे जो स्वयं का प्रयोग किया जा रहा है वो जोर देने के लिए किया जा रहा है, स्वयं की आंख। तो यहाँ पे जो नाउन को जो है यहाँ इंटेंशन कर रहा है, इसलिए जो हमारा क्या है एम्फेसिटिक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दिस विल बी द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर बर्थडे। यह आपके जन्मदिन का जो है एक पूर्ण रूप से गिफ्ट है, एक पूर्ण गिफ्ट है, एक पूर्ण उपहार है। जो यहाँ पे द परफेक्ट वर्ड है ये जो है एम्फेसाइजिंग कर रहा है किसका, गिफ्ट का जो है एम्फेसाइजिंग कर रहा है। तो यह जो है पूर्ण रूप तैयार हो गया है पूरी बिल्कुल तरीके से। डैट वॉज द वेरी बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। यह यही बुक है जिसकी जो है हम बहुत अच्छी बुक है जिसकी हम सर्च कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, लुकिंग फॉर तलाश करना। वेरी बुक यानी बुक की जो है विशेषता बताई जा रही है। माइंड योर ओन लैंग्वेज, यहाँ जो ओन लैंग्वेज है ओन जो है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इज दैट द होल ट्रूथ, क्या यह वह पूर्ण सत्य है। यहाँ जो पूर्ण शब्द जो है ये होल जो है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आया होगा कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में बताए हैं और आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से देखने के लिए समझने के लिए जो आप वीडियो को पॉज करिए और उसे जो लिखना स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए, और ना समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम उसे दोबारा रिवाइज कर देंगे।